ओके देखिए, सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमने आपको बताया, तो टॉपिक तो चल रहा है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक ना। जेई लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे हैं हम। तो अगर आपके पास a प्लस बी की पावर n है और आपको निकालना है क्या, मध्य पद, ठीक है ना। तो एक एक बात मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मध्य पद का जो गुणांक होता है वो सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा। जैसे आप कोई एक्सपेंशन लिखते हो, जैसे मान लो a प्लस बी की पावर आप 4 लिखते हो, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? मतलब जब तक इनके साथ कुछ चिपका ना हो, मतलब सपोज ये x है और ये y है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3x हो, यहाँ पे 4y हो, या वहाँ y बाई 3 हो, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके साथ कोई कोफिशियंट 1 है, इनका गुणांक क्या है 1। तो जब आप इनको लिखते हो तो आपको याद करो, जब लिखते हो सबसे पहला होता है x की पावर 4, याद आया? फिर क्या आता है? 4 आता है, याद आया? 4, x की पावर 3 हो जाता है, y की पावर कितना 1। फिर क्या आता भाई? 6 आता है, 6 x की पावर 2 और y की पावर कितना 2, फिर भी 6 आता है। इसके बाद भी क्या आता है? 6 x की पावर x और y की पावर 3, और फिर क्या आता है लास्ट में? y की पावर 4। तो देखो फीलिंग क्या आ रही है, यहाँ पर पावर है 4 और पद कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आया समझ में? अब देखो यहाँ का शुरुआत से गुणांक कितना है 1, और यहाँ का अंत से गुणांक कितना है 1। मतलब शुरुआत से और अंत से गुणांक जो होते हैं वो समान होते हैं, मतलब द्विपद प्रमेय के प्रसार में, बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में समान दूरी पर जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। समझ में आया ना? देखो यहाँ पहला शुरुआत से पहला, अंत से पहला, 1 1। शुरुआत से दूसरा क्या भैया? शुरुआत से दूसरा यहाँ पे, अरे हो गलती हो गई भाई, एक टर्म छूट गया। देखो पावर 4, 3 1, 2 2, है ना, 2 2, यहाँ पे आएगा 4। क्या आएगा बेटा? यहाँ 4 आएगा, भले गलत लिखा था, है ना, गलत लिखा था, याद आया कि नहीं याद आया आप लोग को? यहाँ पहले 1 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 4 होता है, फिर क्या होता है? 1 होता है। खोल करके देख लो, नहीं तो अपन ने पास्कल ट्रायंगल पढ़ाया था ना, बनाया था ना ट्रायंगल बनवा करके, यस तब तो बताया था ना मैंने, हाँ, तो 1 4 6 4 1। तो देखो यहाँ से पहला 1, इधर से अंत से पहला 1, इधर से अंत से दूसरा 4, सॉरी शुरुआत से दूसरा 4 और अंत से दूसरा भी 4। अब देखो बीच में बैठा है 6। अच्छा मध्य पद, अब कहोगे सर यहाँ पे 6 एक बार आया है, दो बार क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई साहब पावर क्या है? सम है। पावर क्या है? सम है, और सम पावर के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे विषम, कुल पद होंगे विषम, और कुल पद जब विषम होंगे तो एक ही मध्य पद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना, एक ही मध्य पद आएगा, समझ गए ना? कौन सा होगा मध्य पद? अगर पावर सम है तो मध्य पद निकालने का फॉर्मूला, यदि मैंने बताया था पावर सम है तो, अगर सम पावर है तो मध्य पद यानी मिडिल टर्म का फॉर्मूला n बाई 2 प्लस 1 थ, हाँ या ना? तो n फिलहाल है 4, 4 बटे 2 प्लस 1 थ, मतलब यहां से क्या कितने बार? दो बार, 2 प्लस 1 मतलब कौन सा टर्म? थर्ड। कौन सा टर्म? थर्ड। थर्ड होगा मिडिल टर्म, समझ में आया ना? तो याद रखना अगर सम पावर है तो वैसे तो निकाल सकते हो कलाकारी करके, मगर इतना टाइम किसके पास रहता है? सीधे n बाई 2 प्लस 1, n बाई 2 प्लस 1, n बाई 2 प्लस 1, समझ गए ना? n बाई 2 प्लस 1। और एक और अच्छी आदत बता देता हूँ, क्योंकि आपने इसमें सम होने पर जो मध्य पद आया है n बाई 2 प्लस 1 आया है, तो जब आप इसको लिखोगे t n बाई 2 प्लस 1, तो कैसे लिखोगे भैया? एन सी, देखो एन सी आर प्लस 1 होता है तो एन सी आर आता है, आता है कि नहीं आता है? तो एन सी एन बाई 2 प्लस 1 है तो क्या आएगा? एन सी एन बाई 2। तो डायरेक्ट जो मध्य पद का गुणांक होता है वो क्या होता है? एन सी एन बाई 2। सम पावर में, सम घात में मध्य पद का गुणांक क्या बनता है? एन सी एन बाई 2, एन सी एन बाई 2 डायरेक्ट आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एन सी एन बाई 2, है ना, यस। तो ये जो 6 है ना, ये क्या होगा? 4c 4 बाई 2 होगा डायरेक्टली। अब कर लो आप, निकाल लो 4c 4 बाई 2, मतलब 4c 2, क्योंकि 2 से 4 गया, 2 बचेगा, 4c 2। चलो सॉल्व करने का तरीका, ऊपर से दो कदम पीछे 4 इंटू 3, नीचे से दो कदम पीछे 2 इंटू 1, 2 से कितने बार भैया? 2 बार। आंसर कितना आया? 6। तो कोई बोले मध्य पथ का गुणांक निकालो, सम पावर है, एन सी एन बाई 2, एन सी एन बाई 2, एन सी एन बाई 2, याद हो गया? चलो भाई इस तरीके से अपन ऐसे करते हैं तो ये अपना हो गया। अब विषम की बात कर लूँ भाई, तो विषम अगर पावर होगी बेटा, अगर यहाँ पर पावर 5 कर दो, अगर यहाँ पर पावर 5 कर दोगे तो टोटल कितने पद खोलेंगे? 6। कितने पद खोलेंगे?
छः। अब छः में दो मध्य पद बनेंगे, छः में क्या बनेंगे, दो मध्य पद। तो उस समय मध्य पद अगर n विषम है तो विषम के लिए फॉर्मूला लिखो n प्लस वन बाई टूवा और n प्लस थ्री बाई टूवा, ये होंगे बेटा मध्य पद, n प्लस वन बाई टूथ एंड n प्लस वन थ्री बाई टूथ, ये दो मध्य पद होंगे। बोलो समझ में आया। चलो अब एक चीज और बताता हूं, देखो जो आपने सवाल किया, जैसे क्वेश्चन आया आपके पास में, जैसे आपके पास में क्वेश्चन आया a प्लस बी की पावर n और a माइनस बी की पावर n, समझ गए ना, n यहां पर सम है, n यहां पर क्या है बेटा, सम है। या आपसे बोला गया a प्लस बी की पावर n और माइनस a माइनस बी की पावर n, ठीक है जी, a माइनस बी की पावर n, एक मिनट, n को सम मत लो, n को बेटा विषम ले लो, n को क्या ले लो, विषम है ना, और यहां भी n दोनों में विषम है। तो अब बोला गया कि बताइए इसमें कितने पद हैं, जोड़ने के बाद कितने पद हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं दे दूं तब आपको अच्छा समझ में आएगा, जैसे मैंने कहा 5 प्लस 4 रूट 3 की पावर 100 मान लो 99, कितना दे दिया मैंने, 5 प्लस 4 रूट 3 की पावर 99 और प्लस 5 माइनस 4 रूट 3 की पावर कितना 99। आपसे बोला गया बताइए दोनों के योग में कुल पदों की संख्या क्या होगी, आप विद इन सेकेंड आप दोनों के योग में कुल पदों की संख्या बता सकते हैं। आंसर है इसका 50, कितना आंसर है 50, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा इसके पदों की संख्या कितनी 50। तो इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, बट याद रखिएगा n क्या होना चाहिए, विषम, n क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, विषम। तो विषम के लिए अगर विषम मतलब ऑड है तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा है ना इसके योग का, बेटा डायरेक्ट याद रखो n प्लस वन बाई टू पद होंगे, कुल कितने पद होंगे, n प्लस वन बाई टू, लेट अस सी हाउ। ओके देखो यहाँ पे कितने हैं बेटा, 99 पावर कितनी है, 99 पास कितना, 1 अपॉन कितना, 2, 100 बटे 2 मतलब कितने पद भाई साहब, 50, कितने हो गए, 50 हो गए। हाँ सम के लिए दो फॉर्मूले बनेंगे, सम के लिए दो फॉर्मूले बनेंगे, एक प्लस का अलग बनेगा और माइनस का अलग बनेगा, प्लस का अलग बनेगा और माइनस का अलग बनेगा, वो मैं लिखवा देता हूँ। अब जैसे एक क्वेश्चन आपने किया इसके पहले, क्वेश्चन नंबर दूसरा या तीसरा, 101 पावर वाला है ना, 101 पावर वाला, तो देखिए a प्लस बी की पावर 101, अब यहाँ पे कुछ भी तूफान मचा के दे दे, 56, 55, 58 रूट एक्स रूट वाई, उस तूफान से हमें क्या मतलब है, हमें तो पदों की गणना करना है। तो a प्लस बी की पावर 101, a माइनस बी की पावर 101, आया समझ में ना, पावर कैसी बेटा ऑड है, कैसी है ऑड, विषम है, तो विषम में चाहे प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही सूत्र याद करना पड़ेगा, विषम में चाहे प्लस हो या माइनस हो एक ही सूत्र याद करना पड़ेगा, कैसे, चलो भैया देखो फॉर्मूला, 101 प्लस 1 बटे 2 कितना बेटा, 102 बटे 2, आंसर कितना 51, यही आया था आंसर, 51 पद आए थे। अच्छा आप वैसे नॉर्मली कैसे करे होंगे, पूरा लिखे होंगे थोड़ा सा फिर जोड़े होंगे, अंदाजा लगाए होंगे कि भाई देख ऊपर वाले में 102 आएंगे नीचे वाले में भी 102 आएंगे, हाँ या ना, और फिर माइनस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे तो आधे कैंसिल हो गए तो 102 का आधा कितना बचा 51, ऐसा अंदाजा लगाया होगा, ऐसे ही लगाया कि नहीं लगाया, तो उससे डायरेक्टली फॉर्मूला है n प्लस वन बाई टू, n प्लस वन बाई टू। क्या महमियत है इन शॉर्टकट की, कि आप यदि इनको याद करके जाते हो, इनकी प्रैक्टिस करके जाते हो, आपका कितना सारा समय बचाएंगे भाई, समझ गए ना, और कॉम्पिटिशन में ज्ञान की कीमत नहीं है, स्पीड की कीमत है, समझ गए ना, ऑब्जेक्टिव में स्पीड की कीमत है, ज्ञान सबके पास है, समझ गए ना, रफ्तार नहीं है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो तो ये हो गया आपका इस तरीके से एक सवाल, हाँ विषम पद, सम पद विषम पद, ठीक है ना। अच्छा सम के लिए बताना है यार, है ना, सम के लिए, तो सम के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देके बता देता हूं, उससे आपको याद हो जाएगा। सम के लिए आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो, अब जैसे आपके पास है a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n, यहां पर n है बेटा सम, n क्या है, सम पद है, ठीक ना, तो यहां पर n जो है आपके सम पद है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि n की जगह यहां पे थोड़े समय के लिए मान लो बेटा 4 है, क्या मान लो 4 है, समझ गए, 4 है, तो 4 पद है, तो खुलेगा, तो खुलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, बोलो ऊपर वाला खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और नीचे वाला जब खुलेगा तो देखो ध्यान से क्या खुलेगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी
और प्लस का कितना e, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्योंकि भैया माइनस का असर पहले टर्म पे नहीं पड़ता, NC0 किस पे पड़ता है, NC1 पे, फिर नहीं पड़ता, फिर पड़ता है, फिर नहीं पड़ता, फिर पड़ता है, हाँ या ना। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बोलो टोटल कितने टर्म बचे, 2 टाइम्स ए प्लस सी प्लस ई, मतलब भैया तीन टर्म बचे, तीन टर्म बचे, तो यहाँ पावर दी थी 4 और आंसर आया है 3, तो कैसे जुगाड़ से लाऊंगा, देखो 4/2 + 1, हाँ या ना, हाँ या ना, तो 4 n की जगह 4 ही तो था, तो आंसर क्या बन गया, n/2 + 1 बन गया फॉर्मूला भाई साहब, n+2/1, मतलब यदि सम पद हैं और जोड़ रहे हो तो टोटल कितने पद निकलेंगे, n/2 + 1, आया समझ में ना, सम पद है और जोड़ रहे हो तो कुल पदों की संख्या कितनी, n/2 + 1, अलग था पिछले बार, पिछले बार था n+1/2 और इस बार है n/2 + 1, तो लिख लो a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n, और n अगर यहाँ पर सम है तो इसके जोड़ में कितने पद आएंगे, कुल n/2 + 1 पद आएंगे योग के बाद, n/2 + 1 पद आएंगे, समझ में आया। अभी यहां पर क्या किया आपने, प्लस किया, क्या किया, प्लस किया, अब माइनस करो तो देखते हैं क्या आएगा, चलो माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n, ओहो अब तो सर माइनस कर रहे हैं, तो इसी से खेलो मस्त, इससे अभी प्लस कर रहे थे ना, माइनस करोगे तो ये साइन, ये वाला, ये और ये माइनस, देखो ये निपट गया, अब ये तो बच गए है ना, ये भी निपट गया और ये भी निपट गया, मतलब इस बार कौन कौन बच गया, बी और डी, बी और डी, पिछले बार तो एक ज्यादा बचा था और इस बार केवल बी और डी बचा, मतलब दो पद, हाँ या ना, तो n/2 + 1 कर रहे थे मगर इस बार क्या करेंगे, n/2 मतलब घटाने में और बेंड बच गई, समझ गए ना, तो आंसर कितने पद बचे, n/2 पद, नोट करो n/2 पद, है ना, एक बेहतरीन शॉर्टकट है, बड़ा जबरदस्त शॉर्टकट है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि x+√y की पावर है 40 और माइनस x-√y की पावर है 40, बताइए कितने पद होंगे, 20, क्योंकि बीच में क्या लगा है, माइनस, तो डायरेक्टली n/2, और अगर बीच में प्लस लगा हो तो क्या रहेगा भैया, बोलो 21 क्या रहेगा, अरे n/2 + 1 42 क्यों होगा भाई, n/2 + 1 n/2 + 1 तो 40/2 यानी 20 + 1 मतलब कितना हो गया, 21, आ गया समझ में, जोड़ने पर एक ज्यादा रहेगा घटाने पर एक कम रहेगा, चलो नोट कर लो। जोड़ने पर एक ज्यादा और घटाने पर एक कम, ठीक ना, तो जोड़ने पर क्या है भाई, n/2 + 1 संपद है, संपावर है, n/2 + 1 संपावर में, घटाने पर n/2 घटाने पर n/2, जोड़ने पर n/2 + 1, बट याद रहे पावर सम है, और अगर पावर विषम है तो डायरेक्टली फॉर्मूला n+1/2, चाहे जोड़ना हो या घटाना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ विषम है n+1/2, चाहे जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ समझ गए ना। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जब खूब रगड़ के प्रैक्टिस करोगे भैया तब आपको समझ में आएगा, स्पीड बनेगी तब, है ना, पहली दूसरी बार में तो बिल्कुल ठेला गाड़ी चलेगी एकदम, बड़े आराम आराम से कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं यार, बड़ा तेजी पढ़ाते हैं, जब जब लगा लोगे 10-15 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन फिर देखो आप, फिर कहोगे हाँ सर आप सही बोल रहे थे। अब देखिए भैया अगला जो सवाल है, हाँ एग्जाम्पल नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, चलिए देखिए अगला जो सवाल है, अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो मध्य पद होता है वही उसका गुणांक सबसे बड़ा होता है, हाँ या ना, तो मैं बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया एग्जांपल नंबर 6 में 2+3x^9 मैं बोलूंगा भैया कि इसका जो है 2+3x^9 का सबसे बड़ा महत्तम गुणांक कौन सा होगा,
मतलब सबसे बड़ा गुणांक कौन सा होगा? तो आप बोलोगे मध्य पद निकाल दो, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि मध्य पद का गुणांक सबसे बड़ा जब होगा जब ये अकेले अकेले होंगे, ए बी एक्स वाई। भैया अब ये तीन और अपना दो भी तो अपना रंग दिखाएंगे, ये भी तो हैं, क्योंकि जब पावर करते तो इनकी भी तो पावर होती है, हाँ या ना? हाँ, तो इनका जो है इस समय आपको ये मेथड आप नहीं लगा सकते हो कि सर इसमें टोटल होंगे कितना, एन लगा है ना, मतलब इसकी पावर है ऑड, मतलब बनेंगे इवन, है ना। तो अपने पास दो वाला फॉर्मूला एन प्लस वन बाई टू एंड एन प्लस थ्री बाई टू एथ सम, दो मध्यपद निकलेंगे। हाँ निकलेंगे, मध्यपद होंगे, मगर उनका गुणांक वही हो, सबसे बड़ा हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है सबसे पीछे वाला गुणांक बड़ा निकल आए, हो सकता है दूसरे नंबर का निकल आए, तीसरे नंबर का निकल आए। तो इसकी मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ, लाजवाब इतनी बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ कि मजा आ जाएगा, समझ गए ना। इसमें मध्य पद निकालने के लिए एक ट्रिक है बेटा, फॉर्मूला लिखो m इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ a बटे b, वन प्लस मॉड ऑफ a बटे b, वन प्लस मॉड ऑफ a बटे b, समझ गए ना। यहां से m निकलता है, यहां से क्या निकलता है m, पहले उस m को निकाल लो, ठीक है ना। और अब उसके बाद एक शर्त होती है, उसके बाद एक शर्त होती है कि जो r है, जो R है अपना, कौन सा R, R प्लस वन में पद वाला R। तो मैं आपकी याददाश्त के लिए पहले मैं टी आर प्लस वन लिख देता हूँ, तो टी आर प्लस वन क्या होता है, एन सी आर, समझ गए ना। R प्लस वन वे पद में एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और b की पावर R, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें जो R इस्तेमाल होता है उस R की वैल्यू जो आएगी वो m माइनस वन से लेके m के बीच का पूर्णांक होगी, क्या होगी, पूर्णांक, यस, इसके बीच का पूर्णांक, आर जो है पूर्णांक लिया जाएगा, क्योंकि आर तो पूर्णांक ही होता है, समझ गए ना। इसके बीच का नेचुरल नंबर, आपको इसके बीच का नेचुरल नंबर यानी कि क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या लिया जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं तो फटाक से समझ में आएगा। जरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट सम ऑफ द एक्सपेंशन 2 प्लस 3 एक्स की पावर 9 व्हेन एक्स इक्वल टू 3 बाई 2। हाँ भाई साहब, व्हेन एक्स इक्वल टू 3 बाई 2, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 बाई 2, हाँ तो x की वैल्यू 3 बाई 2 पुट करना पड़ेगा। आइए m की वैल्यू निकालते हैं, n प्लस 1, बोलो n कितना है 9, तो 9 प्लस a कितना 10, 1 प्लस a अपॉन b, a की जगह कितना है बेटा 2 और b की जगह कौन है 3x, b की जगह कौन है 3x है, तो 3 और x की जगह वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, x की वैल्यू कितनी है 3 बाई 2, तो ये भी रख दो 3 इंटू 3 बाई 2, भाई साहब 2 बाई 3 तो नहीं दिए ना, 3 इंटू 3 बाई 2, सही है सही है सही है बिल्कुल सही है, ये आ गया आ गया। चलो सॉल्व करो, m ऊपर कितना 10, हाँ 1 प्लस यहाँ कितना बेटा 4, इधर कितना 9, ठीक है ना। तो m इज इक्वल टू 10 इंटू पल्टी मार के 9 आएगा ऊपर, पल्टी मार के 9 आएगा ऊपर, और यहाँ पे कितना आ गया 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, हाँ या ना। तो m इक्वल टू 90 बटे कितना 13, m इक्वल टू 90 बटे 13, सही लिखा हूँ ना, m इक्वल टू 90 बाई 13, क्लियर हुआ। चलिए अब 90 बाई 13 जो है m हो गया, m को थोड़ा सॉल्व कर लो, m को थोड़ा सॉल्व कर लो, m को सॉल्व करो। तो देखो भैया 90 में 13 का डिवाइड करो, 13 गुणे 6 कितना हुआ 78 हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है ना बेटा। चलो 6 पॉइंट, चलो 0, 13 से 6 13 से 91 13 8 104 और 13 नहीं 119 117, भाई साहब R की वैल्यू कितनी आ गई 6 पॉइंट, M की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6.9, बोलो हाँ या ना, M की वैल्यू कितनी आ गई 6.9, बोलो हाँ या ना। तो M की वैल्यू आई है 6.9, तो R की जो वैल्यू होगी 6.9 और 6.9 से 1 कम मतलब 5.9 के बीच का पूर्णांक होगी, के बीच का क्या होगी पूर्णांक, भाई साहब M आया है 6.9 तो 6.9 से एक कम क्या हो गया 5.9, उसके बीच का पूर्णांक होगी। तो 6.9 से लेकर 5.9 के बीच का पूर्णांक बताओ क्या होता है, 6 होता है, क्या होता है 10, मिल गया, मतलब R की वैल्यू क्या है 6, R की वैल्यू क्या है 6, समझ गए ना। मतलब जो आपको वैल्यू चाहिए है वो R इक्वल टू 6 पे मिलेगी, मिलेगी। चलो रुक जाओ अभी यहाँ देखो बोर्ड की तरफ, चलो देखते हैं, मतलब सातवां पद, कौन सा पद सातवां। तो उन लोगों ने हमने पद नहीं पूछा है, उन्होंने कहा है कि बताओ पूरी पूरी वैल्यू क्या होगी, उन्होंने हमसे पूरी पूरी वैल्यू पूछी है। आ जाओ इधर देखो,
तो हमारे पास है सातवां पद, मतलब 6+1। लो भाई साहब T6+1 लगाइए, NCR, N की जगह कौन है? 9, C6, A की जगह कौन है? 2, की जगह 9-6 बोले 3 आएगा नहीं आएगा? 9 में 6 के 3, और आगे कौन है? 3X, और आगे कौन है? 3X की पावर कितना आएगा बोलो? 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? चलो सॉल्व करना है 9C6 सॉल्व करना है। देखो भैया अब बड़े बड़े कदम हैं, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो 9C6 को फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। और एक और छोटा तरीका है, 9 में से 6 रसगुल्ले खाओ या 9 में से 3 रसगुल्ले खाओ, बात बराबर है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अगर ये बड़ा हो तो एक काम करो, इससे इसको माइनस कर दो, 9 में से 6 को माइनस कर दो, तो क्या आएगा? 9C3 क्या आएगा? तो मैं 9C6 को क्या लिख सकता हूँ? 9C3, 2 की पावर 3 पूरी दुनिया जाने क्या होती? 8, और 3 की पावर 6 तो एक्स 3 की पावर 6 लिख दो यहाँ, 3 की पावर 6 लिख दिया। अच्छा एक्स की पावर 6 भी आएगा, हाँ या ना? और एक्स की वैल्यू क्या है भाई साहब? 3/2, एक्स की वैल्यू 3/2, तो एक बार 3/2 की पावर भी 6 हो गया। तो इसको मैं अलग अलग कर लूँ, 3 की पावर 6 और 2 की पावर कितना? 6। चलो 9C3, 3 कदम पीछे 9, 8, 7, इधर 3 कदम पीछे 3, 2, 1 आ गया, इंटू 8 इंटू 3 की पावर, यार 6 और 6 कितने हो गए? 12। 6 और 6 कितने हो गए? 12, ठीक ना। अच्छा 2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 मतलब 8 × 8 वैसे भी 64 होता है, हाँ है ना? होता है कि नहीं होता? हाँ भाई साहब, चलिए हाँ, 8 से 1 8, 1 8 कैंसिल, 1 8 से 1 ये वाला 8 भी क्या हो गया? कैंसिल। यार 7 का तो कुछ हो नहीं सकता है बोलो, हाँ हाँ, 3 से 3 से 3 बार 9 भी क्या हो गया? कैंसिल। देखो 3 की पावर 12 थी और एक और मिल गई तो 3 की पावर 13 हो गई, हो गई 3 की पावर 13, 3 की पावर 13 तो 3 की पावर 13, ऊपर बचा 7 और नीचे बचा कितना? 2। चेक करो 7/2 इंटू 3 की पावर 13 ऑप्शन में है क्या? यस, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना? बी है ना, हाँ वही आंसर है आपका, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लो। तो ये है जान इसकी, इस फॉर्मूले की, m इक्वल टू n/1 1+mod a/b, इससे निकलेगा 1+mod a/b। चलिए तो फिनिश करते हैं आज की क्लास को यहीं पर, धन्यवाद।